वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज तुषार एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद मी। बाइक के एग्जॉस्ट का काम करना है, इसके लिए आज इस गैरेज पे आया हूँ। ये आज सुबह ही मैंने ढूंढा है और अभी फिलहाल बाइक का काम चल रहा है। ये एग्जैक्ट बर्गर किंग के बाजू में, मैप में ये बिल्कुल नहीं दिखा था। क्यों आपके भी एग्जॉस्ट का काम है या फिर अगर आपका बाइक 7 या 8 ईयर्स पुराना हो चुका है तो उसका एग्जॉस्ट खोल के एक बार देख लो, नहीं तो किसी दिन 5-6 हज़ार का फटका गिरेगा आपको। ये मेरा 2015 का मॉडल है और देख सकते हो 8 साल में उस एग्जॉस्ट की क्या वाट लग चुकी है, कितना रस्ट है उसमें। ट्राई आउट किया था कौन सा कलर इस पर ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक वाला या सिल्वर वाला, तो इन्होंने मुझे सिल्वर एडवाइस किया है। तो देखते हैं सिल्वर कैसा लगेगा। शायद तो ये छोटा सा नट टूट गया था और वो इसमें फंसा हुआ था, निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत रस्ट पकड़ा हुआ था पूरा, रस्टिंग पूरा डीरस्टिंग कर दिया। पहले पाइप कैसा था और अभी कैसा है, बहुत मेहनत की है भाई ने। तो दोस्तों ये जो पाइप है इसका कॉस्ट है 3000 के आसपास, और अगर आपने ये काम नहीं कराया तो फिर हो सकता है आपको 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़े। सो इट इज़ बेटर कि 5 साल में एक बार ये तो इसमें ऑलमोस्ट 2 कोट हो चुके हैं, 2-3 कोट, और अभी आप देख सकते हो पहले ये कैसा रस्टी था और अभी कैसा है, इतना फर्क है अभी इसमें। दोस्तों ये है एयर इनटेक सेंसर और इससे कोई भी साफ नहीं करता, तो मेक श्योर अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इसको एटलीस्ट एक बार साफ़ कर लीजिए। इसको खोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट आनंद ने खोल दिया, थैंक यू सो मच आनंद। एक काम करते पहले इसको इंस्टॉल करते उसके बाद वीडियो निकालते हैं। दोस्तों ये है एग्जॉस्ट, आपको पता है पहले एग्जॉस्ट कैसा था, कितना रस्टी था, और अभी कैसा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट करके दे दिया, और आई थिंक ऐसे ही और 4-5 साल चल जाएगा, मैं नया भी डाल सकता था, बट आनंद ने बोला कि नहीं नया नहीं डालना चाहिए, इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर मतलब खाली इसको बफिंग और पूरा डी रस्टिंग करके नया डाला, और साथ में मैंने ये वाइज़र भी थोड़ा बढ़ा के ले लिया, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। प्लस
ये भी इसमें ये बहुत प्ले था, वो अभी वो नहीं है। बाइक बहुत गंदा है बट बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राइड, और कौन सा राइड है वो आपको जल्दी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए उसका प्रिपेयर HJG के ओरिजिनल लाइट्स है, फॉग लाइट्स है, ये मैंने डोंबिवली से इंस्टॉल किए थे। उनका एड्रेस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इनका जो विजन है वो मैं एक दिन आपको राइड के टाइम पे बता दूंगा कि इनका विजिबिलिटी कैसा है। और ये रहा आनंद जिसने ये पूरा काम किया है बहुत अच्छे से, तो अभी इसका ड्यूरेबिलिटी हम चेक करेंगे राइड पर।